It's not the house. You can listen. क्या पढ़ रही है? यार लाइन्स में थोड़ा वाला रही है। ये तो ठीक है ना यार। एक मिनट जरा वेट करना मैं शुरू करता हूँ। तो कल्चर रिलेटेड कर पिया था नहीं ये मूवी जरा सही है। जी सर, एंड में बात ही चल रही थी पेज नंबर 3 के एंड पे कि एग्जामिनर समटाइम्स हमें स्टॉक रखने की पॉलिसी बताता है, सेल्स की बेस पे बताएगा। हम डेफिनेट जितने परसेंट वो कहेगा उतने परसेंट के हिसाब से सेल्स पे मल्टीप्लाई करके स्टॉक फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या बनेगा कि जब हम सेल्स से वर्किंग करेंगे तो सेल्स के अंदर तो प्रॉफिट भी होगा, लेकिन अगर चीजें अभी बिकी नहीं है तो उन्हें सेल प्राइस पे नहीं होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस का फिर हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। नीचे से एक पर्सन में लिखा नहीं हुआ करेगा, हम जब सेल से मल्टीप्लाई और कर रहे होंगे तो साथ ही फिर हमें याद आना चाहिए कि अब हमने इस सेल वैल्यू को कॉस्ट में कन्वर्ट करना। मीन्स से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी डेटा के बेस पे वर्किंग करूँ तो 1 लाख से मल्टीप्लाई बाय 10% क्या है? 10% क्या देखें, ये पॉलिसी है ना, उसने कहा 10% ऑफ सेल। अगर वो के 50% ऑफ सेल तो वो जो वो कह रहा है वो कर रहा होगा, लेकिन यहाँ तक जो फिगर आएगी 10,000 इट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ स्टॉक। तो देन फिर मैं लास्ट स्टेप क्या करूंगा, कॉस्ट में बताएं कैसे कन्वर्ट करूंगा बेस इन से, तो इनटू 75% करके 7500 फिर हमारे स्टॉक की वैल्यू है। ठीक है, एक दफा लिख लेते यही अपने आंसर है। सेल उठाई परसेंटेज से मल्टीप्लाई किया, लेकिन जो सेल वैल्यू ऑफ स्टॉक आई उसका फिर कॉस्ट में कन्वर्ट करना। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को समझा गए मेरे पास? क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करें। बड़े बड़े क्वेश्चन सभी सामने आ रहे हैं, वैसे सब फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गए। रिक्वायरमेंट ढूंढना है इसकी, मंथ वाइज कैश बजट फॉर द क्वार्टर एंडिंग 31 मई 2005। मंथ वाइज कैश बजट बनाना फॉर द क्वार्टर एंडिंग 31 मई। तो ये जो 31 मई पे क्वार्टर एंड हो रहा है इसमें कौन कौन से महीने आ रहे होंगे? मार्च अप्रैल मई की वर्किंग करनी है, लेकिन मंथ वाइज मींस मार्च का कॉलम बनेगा, अप्रैल का कॉलम बनेगा और मई का कॉलम बनेगा। ठीक है, क्वार्टर में 3 महीने आ जाएंगे, अप्रैल इस क्वार्टर में 3 महीने आ जाएंगे, मार्च अप्रैल और मई। ठीक है, बहरहाल कैश बजट का फॉर्मेट क्या ध्यान में रखना, पिछला पेज देखा था, ओपनिंग बैलेंस ढूंढना है, रसीड्स प्लस करनी है, पेमेंट होके माइनस करनी है और इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस। तो कैश बजट का थोड़ा सा जो आइडिया आपको है या हो गया है उसको जहन में रखकर फर्स्ट लाइन से पढ़ो। जिंक लिमिटेड इज एंगेज इन द ट्रेडिंग बिजनेस, चीजें खरीद के बेची जा रही है। फॉलोइंग डाटा हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम Real's business plan for the year ended 30th September 2012.
सेल्स दी हुई है रुपीज इन थाउजेंड्स में, जनवरी और फरवरी की एक्चुअल सेल्स दी हुई है, और मार्च अप्रैल मई जून की फॉरकास्टेड मीन्स बजटेड सेल्स दी हुई, प्रोजेक्टेड फॉरकास्ट। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। कैश सेल्स इज 20% ऑफ द टोटल सेल, ठीक है सर। तो इसका मतलब फिर 80% क्या है क्रेडिट सेल। कुछ पुरानी बातें भी जेन में रखिएगा, एज इट इज है, अगर हमें ये ना पता चलता कि कोई कैश सेल है या नहीं, अजीम करते सारी सेल क्रेडिट पे ही है। इसी तरह परचेजेस भी सारी क्रेडिट पे ही होंगी अनलेस वी हैव इंफॉर्मेशन कि कोई कैश परचेज है, ठीक है। सेंटेंस के बारे में मीनिंग ये है कि 20% ऑफ टोटल सेल, अगर टोटल सेल 100 है तो 20 कैश सेल है और 80 क्रेडिट सेल है। मेरी ये जो बात है ना, 100 है, इसको सीरियस लीजिएगा और ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, सही कहा मैंने। ऑफ टोटल सेल, टोटल सेल की बेस पे कैश सेल की परसेंटेज बता रहा हूं। ZL earns a gross profit of 25% of sale. Gross profit word है, तो अगर सेल 100 है तो 25 ग्रॉस प्रॉफिट है, therefore 75 कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल। एंड यूनिफॉर्मली मेंटेन्स स्टॉक एट द रेट ऑफ 80% ऑफ द प्रोजेक्टेड सेल ऑफ द फॉलोइंग मंथ। अगर हम फॉर एग्जांपल मार्च के एंड पे सोचेंगे, मार्च के एंड पे एक स्टॉक डिसीजन ले रहे होंगे, तो वो किस महीने की किस चीज का कितने परसेंट होगा, सेल का 80% मार्च के एंड पे स्टॉक। अगर फॉर एग्जांपल आप मई के एंड पे सोच रहे होंगे, तो जून की सेल का 80%, जून की फॉलोइंग मंथ, ठीक है। बाकी डेफिनेटली वर्किंग अभी कर रहे हैं। नंबर टू, 60% ऑफ द डेटर्स आर कलेक्टेड इन द फर्स्ट मंथ सबसीक्वेंट टू द सेल, वेयर एज द रिमेनिंग डेटर्स आर कलेक्टेड इन द सेकेंड मंथ फॉलोइंग द सेल। पॉइंट नंबर वन के साथ लिंक करें, टोटल सेल में से 20% तो वैसे ही कैश सेल है, तो कैश सेल के पैसे कब मिलते हैं? ये सबसे अच्छा जवाब भाई का, उसी टाइम मिलता है, उसी महीने वाली बहस की नहीं, उसी वक्त ही मिल जाता है। इसका मतलब जो 80% क्रेडिट सेल है, उसके एंगल से हमें ये पॉइंट नंबर थ्री पढ़ना चाहिए, क्या ख्याल? टोटल सेल का 60% या क्रेडिट सेल का 60%? तो अगर फॉर एग्जांपल जनवरी की क्रेडिट सेल है, तो उसको जहन में रखकर जरा बताएं फिर पैसे कैसे कैसे मिलेंगे। जनवरी की जो क्रेडिट सेल है उसके 60% पैसे फरवरी में और 40% पैसे मार्च में, मार्च में। दोबारा 60% ऑफ डेटर्स आर कलेक्टेड इन द फर्स्ट मंथ सबसीक्वेंट टू द सेल। अगर जनवरी की क्रेडिट सेल है तो 60% पैसे उसी महीने या फरवरी में, मंथ सबसीक्वेंट टू द सेल। अगर जनवरी का महीना है और उसकी क्रेडिट सेल है, तो उसके 60% पैसे मिलेंगे फरवरी में और 40% का मिलेंगे मार्च में मिलेंगे, मंथ सबसीक्वेंट टू द सेल, बल्कि सॉरी सेकेंड मंथ फॉलोइंग द सेल। अब जरा अप्रैल से हम रख के बताएं क्या करें, अप्रैल में क्या होगा। अप्रैल की क्रेडिट सेल का 60% मई में और 40% जून में। आई होप आपको महसूस होगा गेम ऑन हो। 80% कस्टमर्स डिडक्ट इनकम टैक्स एट द टाइम ऑफ पेमेंट। जो 80% कस्टमर्स की अमाउंट होगी उसको हमें 96.5% करके रिसीट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो कल वाली एंट्री से करा था रजिस्टर। सारे कस्टमर टैक्स नहीं काट रहे, 80% जो कस्टमर है वो टैक्स काट के जब पैसे देंगे, तो हमें 100% पैसों की बजाय अगर 3.5% रेट है तो 96.5% पैसे रिसीव हो। सेल ऑब्वियसली 100% होगी, लेकिन जब कलेक्शन होगी तो वो नेट ऑफ टैक्स होगी। तो जब रिसीव्स में हम लिखेंगे
तो वो नेट ऑफ टैक्स कैश लिखेंगे। ओके, वैसे हमें यहाँ पैसे मिलने हैं या हमने देने हैं? कस्टमर्स ने टैक्स काटना है तो हमें नेट मिलेंगे। आगे तो इसमें ना ऐसे करके हम देखें ना, तो कोई अकाउंटिंग का मेजर कॉन्सेप्ट नहीं नजर आना, लेकिन इसमें इंग्लिश ऐसी इंशाल्लाह बनानी है कि हमें भी ठीक ठाक एंजॉय करना पड़ेगा। तो नंबर फोर पढ़े, ये बल्कि इस तरह करें, आप अपना अपना पढ़े और आपने मुझे ये बताना है कि अकॉर्डिंग टू दिस पैराग्राफ किस किस मंथ में कितने कितने पैसे जाने हैं। तो सब लोग अपना अपना रिव्यू करें, इसमें और कुछ भी नहीं समझते कि इंग्लिश का टेस्ट। अगर कहीं इसी पेज पे चाहे नीचे जगह वहीं लिख लें जो आप कहना चाहते होंगे, अपनी जरा अपना जरा आंसर लिख लें, आपका क्या फायदा अभी बताए नहीं, आराम से पहले अपना लिख लें। जी सर, क्लियर है सर? जी दोबारा चलिए मेरे साथ पढ़ेगा। इन जनवरी में जीएल पेड 2 मिलियन, किस महीने में? तो 2 मिलियन तो जनवरी में होगा। हमारा फोकस अब कैश बजट के एंगल से, तो हमने पेमेंट्स का डिसीजन लिया। ऑब्वियसली वो एक अलग इशू हो जाएगा कि मशीनरी कब डेबिट होगी, मशीनरी कब डेबिट होगी, जब मशीनरी आएगी तो ये एडवांस में पेमेंट है। तो एक अलग इशू कि मशीनरी ने डेबिट कब होना, इसकी एंट्री क्या होनी, मैं शायद उस तरफ नहीं जा रहा। हम पेमेंट्स के एंगल से डिसीजन लें कि कैश किस किस महीने कितना कितना क्रेडिट होगा। तो 2 मिलियन कब कैश क्रेडिट होगा? जनवरी में। लेकिन ये जो 2 मिलियन है ये 25% अमाउंट है, 25% एडवांस। द मशीनरी वॉज डिलीवर्ड एंड इंस्टॉल्ड इन February 12 and was to be operated on test run for 2 months. 2 महीने उसका test run चल रहा। कौन सा 2 महीने? And was to be operated on test run for 2 months. ठीक है, जो भी आप कह रहे हैं। 50% of the purchase price was agreed to be paid in the month following installation. नहीं, अब यहाँ पहले अमाउंट, पहले अमाउंट 50% ऑफ परचेज प्राइस। 2 मिलियन इज नॉट द परचेज प्राइस, 2 मिलियन इज नॉट द परचेज प्राइस। एक मिनट, 2 मिलियन जो पेमेंट थी दैट वॉज 25%, तो 2 मिलियन डिवाइड बाई 25 100 करके पहले तो ये पता कि टोटल अमाउंट है 8 मिलियन। तो 8 मिलियन जेल में रखकर 12 सेंटेंस पर 50% ऑफ द परचेज प्राइस वाज एग्रीड टू बी पेड इन द मंथ फॉलोइंग इंस्टॉलेशन। व्हाट इज द मंथ ऑफ इंस्टॉलेशन? तो 4 मिलियन विल बी पेड इन मार्च। दोबारा पढ़ना यहां तक। ओके, एंड द रिमेनिंग अमाउंट कितनी बचेगी? 2 मिलियन। 2 मिलियन कैसे? तो एडवांस में चला गया था 4, तब चला गया, टोटल 8 था, तो रिमेनिंग बचा ही 2 मिलियन। द रिमेनिंग 2 मिलियन इज एंड द रिमेनिंग अमाउंट एट द
एंड ऑफ द टेस्ट रन, अब एंड ऑफ द टेस्ट रन आपने बताना कब होना, आप आपने वैसे बताया आपका क्या करना, नहीं नहीं वो स्टार्ट देखिए अप्रैल के स्टार्ट में हो एंड में हो मिड में हो ये मेरी बहस से रहेगी कि हमने डेट डेट वाइज बजट नहीं बनाना, हमने मंथ वाइज बनाना। तो फॉर एग्जांपल आपका जहन ये कहता है, वो बाकी मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू दीज लाइंस आप मंथ स्पेसिफाई करें, क्योंकि मेरा ख्याल है मंथ स्पेसिफाई किया जा सकता है। कितने लोगों का ख्याल ये है कि अप्रैल है, नहीं मैंने कोई कहना कुछ नहीं वैसे पूछ रहा हूँ, इसमें मुझे क्या बताते हैं ऊपर पक के करना। कितने लोगों का ख्याल है कि मार्च है, अब जरा एक सवाल पहले मार्च या अप्रैल फाइनल करते हैं, सेकंड लाइन से दोबारा पढ़ा, बल्कि ऑनलाइन स्टूडेंट्स से पहले बताएं आपका क्या ख्याल है, कहीं आपका ख्याल साइलेंट तो नहीं है, तो एक पहला वर्ड बता था आपके ख्याल में ये किस मंथ की बात हो रही है, एंड ऑफ टेस्ट मंथ, चलो ठीक है डिवाइड भी नहीं है, ठीक है जी सेकंड लाइन से पढ़ा पॉइंट नंबर फोर की सेकंड लाइन, कहता मशीनरी वाज डिलीवर्ड एंड इंस्टॉल्ड इन फरवरी, हमें नहीं पता डेट और हमें जरूरत भी नहीं, समय ना होगा तो सोच लेंगे लेकिन कोई डेट नहीं पता, मंथ पता है फरवरी, एंड वाज टू बी ऑपरेटेड ऑन टेस्ट रन फॉर टू मंथ्स, ये बताएं टू मंथ्स कौन सा, अगर आप फरवरी मार्च कह रहे हैं ना तो फिर आप खुद अजम्पशन ये ले रहे हैं कि ये फर्स्ट फरवरी को शायद आएगी, फर्स्ट फरवरी को आई है और देयरफॉर आप शायद एंड करने लगे हैं मैं मार्च एंड पे, अगर हम इसे एज इट इज पढ़े जो लिखा हुआ है तो फरवरी में आई है, दो महीने टेस्ट में, तो मेरा ख्याल हमें कहना चाहिए कि मार्च और अप्रैल में टेस्ट, अगर आप वो 31 मार्च भी कहेंगे ना, मतलब मैं इसको फोर्स नहीं करूंगा, इसमें डिफरेंस ओपिनियन भी हो सकता है, तो फर्स्ट से अगर शुरू करते हैं तो दो महीने फिर खत्म होंगे फर्स्ट अप्रैल में, अगर फर्स्ट फरवरी भी कहेंगे तो फर्स्ट अप्रैल पे फिर पूरे दो महीने खत्म करता है, क्योंकि अगर आप फर्स्ट कहेंगे तो 31 को खत्म करें, फिर आप ये भी कहेंगे कि फर्स्ट की सुबह को आएंगे, अब ये नहीं है, अब ये फर्स्ट की शाम को आई है दोपहर को आई है, ठीक है वो नहीं हमारी इंफॉर्मेशन, लेकिन अगर पूरा दो महीने आप शायद काउंट करेंगे तो फिर शायद फर्स्ट अप्रैल इवन दिन बन जाएगा, या पहले 31 मार्च के आखिरी मिनट बनेगा, yes. तो मैं शायद उसी ओपनिंग को क्लोजिंग शायद कह दूंगा, लेकिन हमारे पास डेट्स नहीं है, मेरा ख्याल है कि शायद इस तरह से पढ़ लेना मुनासिब रहेगा कि फरवरी में मशीन आई है, दो महीने टेस्ट करना है, तो दो महीने कैसे बनेंगे, मार्च अप्रैल, अब हो सकता है आप कहें कि अप्रैल का स्टार्ट है, फरवरी की अगर मिड में आई होगी तो अप्रैल का मिड हो गया होगा, अगर फरवरी के एंड में आई होगी तो अप्रैल के एंड हो जाएगा, तो लेकिन अब हमें डेट्स क्योंकि नहीं पता, तो दो महीनों का मेरा ख्याल है कि मीनिंग ये बनेगा फरवरी में आई है और मार्च अप्रैल दोनों में, ज्यादा तेजी से तो नहीं गया मार्च अप्रैल, तो अब आप अपना सेंटेंस पढ़ लें और डेफिनेटली इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पॉसिबल है, ये सिर्फ इंग्लिश है, इसमें कोई काउंटिंग नहीं है कि मैं ऐसे कहूँगी ये काउंटिंग स्टेट नंबर 526 है, ये ऐसी कोई बात नहीं, एक इंग्लिश की इंटरप्रिटेशन है, जो बेस्ट लगती है वो कर लेते हैं, जरा फर्स्ट लाइन से दोबारा पढ़ते हैं, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेरी सारी बात सुन ली, नहीं बेटा इसमें एक अजम्पशन लेने की इसलिए हमें जरूरत नहीं, क्योंकि हमें मंथ वाइज वर्किंग करनी है, एक तो होता है ना हमें डेट वाइज वर्किंग करनी है, फिर तो हम शायद इस बहस में पढ़ेंगे भी, उसने जो कहा है हम उसी को एज इट इज पढ़ने की कोशिश करते हैं जी, 2 मिलियन कब पे होने जनवरी में, अब उसने नहीं डेट बताई हमें जरूरत नहीं जनवरी में, लेकिन जनवरी में मीन्स रिक्वायरमेंट पढ़नी चाहिए, ये हमारी बहस से पाए, मतलब हमने जिन मंथ्स की वर्किंग करनी वो जेन में रखेगा मार्च और अप्रैल, तो जनवरी में अगर पेमेंट होगी तो पेमेंट के एंगल से कैश बजट में हमारे नहीं है, देन उसके बाद उसने कहा जो 50% ऑफ द परचेज प्राइस है इसने पे होना है मंथ फॉलोइंग द इंस्टॉलेशन, तब ये हमें पता है फरवरी के महीने में इंस्टॉलेशन है तो फॉलोइंग मार्च में, अब वो मार्च की पहली डेट कहें आप एंडिंग कहें मिड कहें, फॉलोइंग द मंथ ऑफ इंस्टॉलेशन मार्च बन जाएगा, और मेरा ख्याल है कि एंड ऑफ द टेस्ट रन मींस, अब क्योंकि दो महीनों का टेस्ट रन है तो शायद बता दें फाइनल आप क्या करना चाहते हैं, देखते हैं ये कर लें फाइनल, ये छोटी सी वर्किंग साथ ही कर,
ऑनलाइन स्टूडेंट्स फाइनल कर देंगे, कोई अगर अभी भी कंफ्यूजन रहेगी, ये मैंने जनवरी लिखा है, थोड़ा सा मार्च को लाने की कोशिश की है। अमाउंट तो समझ आ गई ना, ये अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? 8 मिलियन का 50% किया मैंने, 4 मिलियन बनाते हुए, और ये जो 2 मिलियन है ये फिर बैलेंसिंग फिगर आएगी, रिमेनिंग फिगर आएगी, रिमेनिंग क्या है? बाकी फिर इसे डेफिनेटली कैसे लिखना वो फिर मैं अभी आपके साथ बाद में स्टेटमेंट बनाता हूँ। चले अगर पॉइंट नंबर 5 पर, क्रेडिटर्स आर पेड 1 month after purchase. Once again, sentence आपके सामने है, हमें किसी डेट की जरूरत नहीं है, जो लिखा है उसको अप्लाई करें। फॉर एग्जाम्पल जनवरी की अगर कोई क्रेडिट परचेज है तो फरवरी में पेमेंट होगी, अगर मार्च ही है तो क्रेडिटर्स आर पेड 1 month आफ्टर परचेज, है ना। नंबर 6, एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस एस्टिमेटेड है 16% and 24% ऑफ द सेल्स रिस्पेक्टिवली एंड आर पेड इन द मंथ इन विच दे आर इंकर्ड। ये क्या मतलब होगा? जिस महीने के हैं उसी महीने में पे होना है, सही है। फाइनली कहता है जीएल हैड अ कैश एंड बैंक बैलेंस ऑफ 100 मिलियन एज एट 29 फरवरी 2012। ईयर आपका जो सॉरी 3 months का पीरियड है वो किस दिन स्टार्ट हो रहा है? मार्च अप्रैल में है, तो मार्च का स्टार्टिंग पॉइंट शायद हमें मिल गया। ये 29 फरवरी का क्लोजिंग बैलेंस है जो हमारे लिए मार्च के स्टार्ट पे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश बन गया, ऐसे ही पढ़ने दे सको दोबारा मंथ से मिलकर मार्च अप्रैल में, तो फरवरी के एंड पे जो कैश का बैलेंस है वो मार्च के स्टार्ट पे हमारे लिए ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, है ना। डिस्टर्ब करें जी, बिजनेस नेम लिखा है जिंक लिमिटेड, मंथ वाइज कैश बजट, फॉर द क्वार्टर एंडिंग ये सारी कॉलम्स बन रहे हैं, 3 कॉलम्स किस किस महीने के लिए? मार्च, अप्रैल, मई, जी सर जी कैश बजट बना रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट का जी बेटा, टोटल की ऐसे सप्लाई जरूरत नहीं है, उससे मांगा नहीं है, उसे टोटल एक सेकंड रुकेगा, एक बार में देखें मंथ वाइज उसने कहा टोटल की जरूरत नहीं है, लेकिन चले अगर आपने बात की है तो फिर आप चाहे ना बनाए टोटल, मैं इसलिए बनाता हूँ क्योंकि इसमें भी चले एक मसला है, जरूरत नहीं है इस कॉलम की, आपने नहीं बनाया तो रहने दे, मैंने इसलिए बना लिया कि ये भी आपसे पूछता हूँ ये टोटल बनेगा कैसे, छोड़ दे टोटल को छोड़ो, क्या बना रहे लगे आप? तो स्टार्टिंग पॉइंट ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करना फिगर लिखवा
अब 100,000 हो रहा है, 100 मिलियन मीन्स 100,000 अप्रैल का ओपनिंग। जब मार्च का क्लोजिंग आएगा वो अप्रैल का ओपनिंग बनेगा, जब अप्रैल का क्लोजिंग आएगा वो मई में ओपनिंग बनेगा, उसका अभी हमें नहीं पता। उसने एक स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया, बाकी पॉइंट्स हम खुद ढूंढ सकते हैं, एंडिंग पॉइंट्स ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट क्या चाहिए? रिसीव्स, रिसीव्स रिसीव्स फ्रॉम सेल्स कस्टमर्स। क्योंकि पहले ये देखें जरा डाटा पढ़ के, कस्टमर का डाटा देखें किस किस सोर्स से रिसीव है, मतलब रिसीव्स पैसे आने कहां कहां से। सेल्स के अलावा तो नहीं सोर्स में। फॉर एग्जांपल आपने क्वेश्चन में बताया था कि लोन लेने का प्लान है, तो वो भी क्या रिसीव है? कैश डेबिट, लोन क्रेडिट, वो भी कैश। कोई फिक्स एसेट बेचने का प्लान है, डिस्पोजल की प्रोसीड्स है, कोई शेयर इश्यू करने का प्लान है, कैश डेबिट जहां जहां होना है वो रिसीव है। तो यहाँ कहाँ कहाँ से लग रहा है कैश डेबिट होना है? एक कैश सेल है और फिर क्रेडिट सेल की रिसीव है, उसके अलावा फिर पेमेंट्स का जिक्र है। देखें जरा एक नजर पसंद है, मतलब एक से ज्यादा सोर्सेज ऑफ कैश रिसीट्स भी हो सकते हैं। पेमेंट्स लग रहा है कि क्रेडिटर्स को भी होनी है ढूंढना, मशीनरी भी कहीं होनी है, और लास्ट पैराग्राफ में एक्सपेंसिस की भी पेमेंट है। लेकिन रिसीट का सोर्स शायद सिर्फ सेल्स ही है। हाँ, उसमें दो हिस्से हैं, कैश सेल्स की रिसीट्स भी हैं और क्रेडिट सेल्स की रिसीट्स भी हैं। लेकिन एक टैक्स डिडक्शन की भी गेम है, तो रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर से क्रेडिट लिखे, और इसके लिए जरा वर्किंग वन पे इकट्ठे हो जाए, पूरा पेज छोड़ दें और नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा। कुछ वर्किंग डेफिनेटली भी आपके लिए इनिशियली पहली दफा आपके सामने आएंगे, तो अभी फॉर्मेट मैं आपके सामने बनाऊंगा, तो फिर उसी की बेस पे वर्किंग हो सकती है। लेकिन ये वर्किंग का कोई फॉर्मेट हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इस तरह से आपने लिखना है कि आपको भी कुछ थोड़ा सा पता चल रहा हो कि आप क्या लिख रहे हैं, और आपकी गैर मौजूदगी में अगर एग्जामिनर पढ़ना चाहे तो पढ़ सके, ठीक है। तो वर्किंग का इस वक्त जो फॉर्मेट एक मैं बनाऊंगा वो सिर्फ आपको समझाने के लिए, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में डिसाइड कर लेंगे कि कोई इसका स्पेसिफिक फॉर्मेट बना लेना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है। तो आज वर्किंग वन में इकट्ठे हो, एक पूरा पेज छोड़ के फाइंड आउट हम करना चाह रहे हैं रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर। जी सर जी, रेलिवेंट मंथ कौन से? बस ये इस वक्त छोड़ दें लिखना, और आराम से पहले फिगर्स ढूंढ के क्या कर रहा हूं मैं वो देखो। हमारे रेलिवेंट मंथ्स हैं मार्च, अप्रैल एंड इन रिस्पेक्टिव मंथ्स की सेल्स बता ढूंढने लगे। 55,000, 60,000 एंड 65,000। जो ऑनलाइन स्टोर से मेरे साथ साथ फ्रेंडली रहेगा। 55,000, थाउजेंड में ऑलरेडी डाटा मैंने थाउजेंड में दिए, 60,000 एंड 65,000 मिल गया। फिगर्स ये ऑनलाइन स्टोर से साथ साथ पार्टिसिपेशन रखिएगा फिगर्स के लिए। जी सर, अब इसके साथ नीचे पॉइंट नंबर वन पढ़ने अपने क्वेश्चन में। 20% तो कैश सेल है और फिर रिमेनिंग 80% क्रेडिट सेल है। फिर क्रेडिट सेल की एक पॉलिसी है, तो जो कैश सेल वाला पॉइंट है फर्स्ट, इन अमाउंट्स में जो कैश सेल होगी, ये कैश सेल है क्रेडिट सेल है सर? सेल है तो इसका अगर मैं 20% कर दूं तो वो तो इन्हीं महीनों की कैश सेल की रिसीट आ जाएगी। कैश सेल की एंट्री कैश डेबिट सेल, क्रेडिट जिस महीने सेल हुई है उसी महीने उसका कैश रहेगा। अगर हम 20% करते हैं तो इन्हीं मंथ्स की कैश सेल्स की रिसीट्स आते हैं, ठीक है। पकड़े करके ट्वेंटी परसेंट कैश सेल्स 11,000, ऐसे ही करेंगे 12,000, 13,000,
Okay. Yes. 55,000 into 20%, 16 to 20%, and 65 into 20%. Okay. Yes. ये तो होगी कैश से, बल्कि सॉरी कैश सेल की रिसीट. नेक्स्ट अब है कैश सेल की रिसीट. जी सर, सर ये भी बड़ा कुछ होगा सर. एक कैश सेल की रिसीट हो रहा है, नहीं वो पहले टोटल कर रहा था ना. इसने पॉइंट नंबर थ्री पढ़ी गई, टैक्स विद हेल्ड करना 80% कस्टमर्स ने, तो पहले टोटल अमाउंट शायद आ जाए, फिर टैक्स की डिस्कशन कर लेंगे बीच में. मतलब इसने ये नहीं कहा कि कैश कस्टमर्स ने काटना है या क्रेडिट कस्टमर्स ने, तो पहले शायद टोटल अगर रिसीट फ्रॉम कस्टमर आ जाए उसमें से फिर डिडक्शन पे डिसीजन ले लेंगे एक ही दफा. यकीनन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कस्टमर्स लिखा हुआ, तो कस्टमर्स कैश सेल्स के भी होते हैं और क्रेडिट सेल्स के लिए भी के भी होते हैं, तो टोटल रिसीट्स अगर आ जाएंगे तो 80% इंशाल्लाह एक ही दफा टैक्स विद हेल्प की बात करेंगे. तो मैंने भी सिर्फ आपके सामने कैश सेल्स की रिसीट्स निकालनी है, लेकिन क्या उनका फर्दर भी अभी कुछ होना है, वो भी स्टेप बाय स्टेप. पहले जरा क्रेडिट सेल के प्रोसीड्स कर. अब क्रेडिट सेल की जो रिसीट्स हैं उनसे रिलेटेड पॉइंट नंबर टू जरा दोबारा जहन में रखना है. जो 60% रिसीट्स हैं क्रेडिट सेल्स की, उन्होंने जिस महीने की सेल है उससे अगले महीने मिलना है, और जो 40% अमाउंट है उसने जिस महीने की सेल है उसके अगले से अगले महीने में, मतलब दूसरे महीने, दूसरे महीने में सेल के बाद दूसरा जो महीना है, तो इस सेंटेंस को आपने अप्लाई करवाना. अब मैं अगर फॉर एग्जांपल मार्च में हूँ, तो मार्च की सेल्स जरा कैलकुलेटर पे लिखो 55,000. इसको इंटू अगर 80% आपसे करवाऊं तो आपसे क्या करवाया मैंने, आपके सामने क्रेडिट सेल आ गया. लेकिन अब ये क्रेडिट सेल है मार्च की, क्या इस क्रेडिट सेल ऑफ मार्च के पैसे मार्च से ही शुरू हो जाएंगे? तो इसका जो आपके पास आंसर है 80% करके, इसका फिर 60% करके अप्रैल में फिगर लिखेंगे, और फिर 40% करके मई में लिखेंगे ऐसे. लेकिन क्या मार्च के महीने में कोई क्रेडिट कस्टमर से रिसीट होनी है? अब हमें पिछले महीनों में जाना पड़ेगा, वो जो हमें डाटा दिया है जनवरी और फरवरी का, शायद उसकी भी हमें कुछ रिसीट्स मार्च में होगी. तब जनवरी में क्यों जाना पड़ रहा है? मार्च की रिसीट शायद वहां से कहीं आनी है. ठीक है, अब हम जरा पिछले महीनों को जाकर जरा सोचते हैं कि जो अदरवाइज हमारे पास डाटा है उसका भी कुछ होना ही नहीं. हम मार्च में इस वक्त है, आप पहले मार्च सेम रखेगा मार्च. लेकिन मार्च में क्रेडिट सेल की अब रिसीट्स के लिए जनवरी से सोचें कि कुछ होना ही नहीं. ये जनवरी का सेल है 85,000, फुल कंसंट्रेट करना पड़ेगा. ये अब जनवरी के जो 85,000 की सेल है, इसमें से पहले 20% तो हमें अलहदा करना पड़ना है, वो कैश सेल तो जनवरी में मिली होगी, इसको स्टेट वाइज 80% का जो आप कर रहे हैं, फिर नाम जहन में रखना है 85,000 इंटू 80% से जनवरी की क्रेडिट सेल आ. इस क्रेडिट सेल का इंटू 60% अगर करेंगे तो ये रिसीट फरवरी में हुई होगी जो हमसे रिलेवेंट है, तो हम स्टेट में इसका क्या करेंगे, इंटू 40% टू गेट द रिसीट इन द मंथ ऑफ मार्च फ्रॉम जनवरी. ऐसे ही सर, हाँ एक वर्किंग के बारे में. तो वंस अगेन अब ये जो वर्किंग में लिख रहा हूँ डेफिनेटली एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहा हूँ एग्जामिनर के लिए, इसका फॉर्मेट डिफरेंट हो सकता है तो वो कोई बहस नहीं है, बस इस तरह से लिखना है कि हम भी अंडरस्टैंड कर सकें और हमारी गैर मौजूदगी में भी कोई पढ़ना चाहे तो उसका आइडिया हो जाए वो कि हम क्या कहना चाह रहे हैं. बस फॉर एग्जाम्पल हम शायद यही कहना चाह रहे हैं फ्रॉम जनवरी क्रेडिट से. कैसे, व्हाट वाज द टोटल फिगर? 85,000 इंटू की हमने 80% आके क्रेडिट सेल बन जाए, और फिर इंटू 40% किया, 60 क्यों नहीं किया? वो फरवरी से रिलेटेड है, हमारे इस पीरियड में नहीं आ रही जिस पीरियड की हमने वर्किंग करनी, तो इंटू 40% करके हमारा आंसर आया 27,200. ये वो रिसीट आ गई जो जनवरी की सेल से रेलिवेंट मार्च में हो गया. ठीक हो गया, कंप्लीट करवा दें आपके लिए सब कुछ, आपने ही देखिए एक कम से कम स्टेप और करा दें बाद में, फिर आप यहाँ तक नोट कर लीजिएगा. अब इसी तरह फ्रॉम सेल फ्रॉम फरवरी से शुरू करें,
from February credit sale. जी क्रेडिट सेल ऑफ फरवरी सारे निकालनी पड़नी 95,000 इनटू 80% किया क्रेडिट सेल आ गई इनटू 60% करके मार्च में आना है इनटू 40% करके अप्रैल में भी आना है आए आप भी देखें अब यहां तक आ जाए ये वाला स्टेप कर यहां तक भी करिएगा यार फिर अगर नेक्स्ट कॉलम में अगर जाना होता है ये इन्वेस्टमेंट्स क्लियर तो फरवरी का 60% मार्च में फरवरी की क्रेडिट सेल का 60% और फरवरी की क्रेडिट सेल का 40% 30,400 40 सॉरी क्रेडिट सेल का 40% 30,400 ठीक है ठीक फरवरी से रिलेटेड मार्च सॉरी मई में कितना है आ गया सब अब बाकी जरा ट्राई करेंगे जनवरी फरवरी हो गए आगे जरा मार्च अप्रैल सोचना उसकी तो फिगर्स भी सामने है ऊपर जी आप कंप्लीट कर लें फिर मैं भी देखता हूँ
डेफिनेटली जिन वर्किंग जिन फिगर्स की जरूरत नहीं फिर उसको सॉल्व करने का भी फायदा नहीं। अप्रैल की क्रेडिट सेल का 60% मई में है और 40% फिर जून मीन समर से रिलेटेड नहीं है, और जो मई में क्रेडिट सेल है तो उसकी तो रिसीट स्टार्ट ही होगी जून के मंथ से, देयरफॉर हमारे पीरियड में उससे रिलेटेड रिसीट ऑफ क्रेडिट सेल नहीं है। दोबारा देख लें एक नज़र इंडिविजुअली रिवाइज करना सारी फिगर्स के साथ, कोई कन्फ्यूजन अगर आता फ्रेंडली डिस्कस कर लेते। तो अप्रैल से रिलेटेड जो 40% है और मई से रिलेटेड जो 100% रिसीट्स हैं वो हमारे इस अकाउंट इस क्वार्टर की रिसीट से बात की बात। वर्किंग क्लियर होगी? चलिए अब जो बनाई अपनी वर्किंग इसकी जरा रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स इकट्ठी कर सकते हैं। पहला कॉलम देखना जरा मार्च और कौन कौन से फिगर्स अब प्लस होंगे यहाँ सर। ये पहले तो हमने वैसे सेल लिख ली थी ना, इसको लाइंस लिखा के जरा अलग कर रहा हूँ। 11,000 आएगा इसमें, 11,000 रिसीट है, 27,200 है, सिंपली प्लस करें जो फिगर्स आ गए, टोटल रिसीट्स निकालो। टोटल रिसीट्स ऑफ ईच मंथ ऑनलाइन स्टूडेंट इकट्ठे हो गए जी। जस्ट एक मिनट, जस्ट एक मिनट जी। चलिए अब आ जाए पॉइंट नंबर 3 अप्लाई अभी होगा। अब ये तो वो पैसे हैं जो शायद हमें मिलने चाहिए या मिलने चाहिए थे, लेकिन क्या कस्टमर्स ने हमें जो पैसे देने हैं वो टैक्स के देने हैं, जो हमारे रिसीट है वो फिर नेट तो इस पॉइंट नंबर 3 को सही अप्लाई करना। इसमें ऑल्टरनेट वेज भी पॉसिबल है, लेकिन अगर वो करेंगे तो सही तरीके से करना। अब 80% कस्टमर्स डिडक्ट टैक्स एट द रेट ऑफ, तो 83,800 की फिगर है, क्या करें हेल्प करें टैक्स रिडक्शन। अब डेफिनेटली एक स्टेट में आंसर भी आ सकता है कि हम सीधा वो कर लें, लेकिन मेरा ख्याल है दो तरीकों से, दोनों तरीकों से करने के किस किस तरह से हो सकता है। तो एक ये भी हो सकता है कि मैं टैक्स डिडक्शन कैलकुलेट कर लूँ और उसके बाद फिर इस टोटल रिसीट्स में सेलेक्ट ऑफ कर लूँ। एक ऑब्वियसली हम शायद स्टेट में भी आ सकते हैं, वो स्टेट में जब आएंगे तो फिर इंशाल्लाह वो भी इसमें एक मसला डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले जरा मुझे टैक्स डिडक्शन की अमाउंट कैलकुलेट करवाता हूँ। अगर मैं ये कैलकुलेट कर लूँ कि टैक्स डिडक्ट कितना होगा जी सब टाइम, वो भी ठीक है, मैं आता हूँ उस पर। 96.5% भी हो सकता है, लेकिन कैसे वो बताता हूँ। फिलहाल मैं आपसे क्या चाह रहा हूँ, फिलहाल क्या बता क्या चाह रहा हूँ, टैक्स डिडक्शन की अमाउंट बता क्या करेंगे। 83,800 इंटू क्या, अब इंटू 80% का मीनिंग क्या है, यहाँ 80% कस्टमर वाला है, 80% कस्टमर्स विल डिडक्ट टैक्स, तो इंटू 80% करके 80% कस्टमर्स की अमाउंट आ जाएगी, और इंटू नहीं एक सेकंड इंटू 96 अगर करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट आएगी। तो वो भी मैं करता हूँ, वो भी मैं करता हूँ आपके सामने, हमारे कैलकुलेटर पे वो भी निकालना चाहिए, लेकिन पहले एक मिनट ये करना। इंटू अगर मैं 3.5% करूँ तो ये क्या चीज़ आ जाएगी, पहले ये बताना चाहूँगा, ये टैक्स की अमाउंट आ जाएगी जो डिडक्ट हो। तो जस्ट एक मिनट जरा पहले इसका 2, 3, 4, 6 ये भी लिखें और बाकी दोनों की भी इसी तरह वर्किंग करें, फिर उसको भी रिकनसाइल करते हैं। Receipts into 80% means customers will deduct tax. 80% customers will deduct tax. But into 3.5% is the rate of tax.
ये फिगर्स पैक दिखे ठीक है मेरे। अब इनको क्या करें, नेट ऑफ कर दें रिसीट से, तो नेट रिसीट निकल आएंगे, प्लस करें माइनस करें, नेट ऑफ माइनस करें तो नेट रिसीट्स। नेट रिसीट्स आर मार्च की हो जाएंगे 81 454 66 874 577 37। आपको पता चल रहा है क्या हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। वाई दिस एडजस्टमेंट इज रेलिवेंट, ऑब्वियसली अगर फॉर एग्जाम्पल ये टैक्स रिडक्शन का जिक्र ना हो तो हम इग्नोर करेंगे, मतलब हम अदर खुद से अज्यूम नहीं करेंगे कि टैक्स रिडक्शन भी होनी है, अगर इन्फॉर्मेशन है तो ठीक है, अदरवाइज हम ये टैक्स रिडक्शन को कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन अगर है तो पता होना चाहिए कैसे कंसिडर करना ये। ठीक है जी, नेट रिसीट्स आ गई, नेट रिसीट्स आ गई है सर। अब आप दूसरे तरीके से करना चाह रहे थे, आए जरा उस तरह से भी करते हैं, जरा कैलकुलेटर पकड़ लेते, 83,800 करें, 83,000 सॉरी 800 लिख लें। अब क्या करना चाह रहे हैं पहले मुझे बता दें, अब क्या करें, इंटू 80% करें, इंटू 80% करके 80% कस्टमर्स की अमाउंट आ गई। अब इसको क्या करें, इंटू 96.5% करें, ये फिगर मैच क्यों नहीं हुई, ये फिगर मैच तो नहीं किसी होगी किसी का। अब ये सोचे मैच क्यों नहीं, अब दोबारा जीरो करें और सोचे कर क्या रहे हैं आप, नहीं 83,800 लिखे, ये थी टोटल रिसीट, इसका आपने किया 80%, तो अब ये 80% करने से सिर्फ 80% कस्टमर्स की रिसीट आ गई है जिन्होंने टैक्स काटना था, तो उसको आपने कर दिया इनटू 96.5%, तो अब ये जो 96.5% करके आपका आंसर आया है ये 80% कस्टमर्स की नेट रिसीट आ गई है, लेकिन क्या इसमें प्लस होना चाहिए वो 20% जिन्होंने टैक्स काटना ही नहीं है, तो अब दोबारा जीरो करें, 83,800 क्या है टोटल रिसीट इनटू 80% किया तो क्या आया, क्रेडिट सॉरी 80% कस्टमर्स की रिसीट जिन्होंने टैक्स काटना है, तो इसको कर लें इनटू 96.5% या 0.965 जो भी कर, तो ये आ गई 80% कस्टमर से नेट रिसीट, लेकिन इसमें आप क्या प्लस करना पड़ेगा, प्लस करें 83,800 इनटू 20% और इज इक्वल टू द बात है इन्होंने टैक्स नहीं काटा, तो इंशाल्लाह फिगर मैच कर दे, तो ये दोबारा 20% क्यों करना पड़ रहा, तो यहाँ जो किए वो क्योंकि ऊपर पूरी रिसीट थी, नीचे टैक्स सिर्फ काटा 80% कस्टमर्स ने, तो फाइनली वो बैलेंसिंग फिगर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब जो वर्किंग आपने की है कम से कम एक के साथ लिख लें, ये और करके कैसे आ सकता, 83,800 इंटू 80% इंटू 96.5% तो पता ना कैसे आ रहा, प्लीज ये ना कि बाद में ही साइंस आ जाए, और देन प्लस 83,800 इंटू 20% कस्टमर्स जिन्होंने टैक्स नहीं डिडक्ट किया, जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी बड़ा बात समझ आएगी कि क्या करना पड़ रहा है अगर ऑल्टरनेटिवली करना था, बाकी चले फिगर उठाएं प्लेस कर कहाँ जरूरत थी इसकी। अब और तो नहीं इसमें कोई ऐसी चीज रहेगी जो कंसिडर भी नहीं, रिसीट्स के एंगल से, अब अच्छा इन रिसीट्स में अब कैशेज भी इंक्लूडिंग, कैशेज हो या कस्टमर्स की रिसीट्स हो, ये टोटल वो कैश है जो हमें नेट मिलना है कस्टमर से, तो फिगर देखें और काइंडली अपने पिछले पेज पर जाएं जहां आप कैश बजट बना रहे हैं, रिसीट फ्रॉम कस्टमर की फिगर उठा के लिख लें। टोटल की बहस अगर करनी भी है तो एडमिट करें, एनी कंफ्यूजन यहां तक क्या हो गया सर,
एक लाइन छोड़ दे, साफ सुथरी प्रेजेंटेशन करना, नेक्स्ट हेडिंग लिखें पेमेंट्स। और पेमेंट्स के एंगल से जरा देखें कौन कौन सी पेमेंट्स नजर आ रही है। सबसे पहले तो मेरे को मशीन ही का जिक्र है, बाकी क्रेडिट्स का बाद में जिक्र है, तो पॉइंट नंबर फोर से शुरू करें सीक्वेंस में। तो पॉइंट नंबर फोर में जो फाइनल हुआ था डिसीजन, वहीं से देख के कंडी लिखो क्या डिसीजन हुआ था, मशीन की पेमेंट्स कैसे होनी है, किस किस महीने होनी है, दोबारा एक नजर देख ले मशीनरी की पेमेंट करने करने ही मत। मार्च में कितना लिखो और अप्रैल में कितना लिखो, 4 मिलियन मीन्स 4000 एंड 2 मिलियन मीन्स 2000 इन मार्च एंड अप्रैल रिस्पेक्टिवली। एक नजर दोबारा देख लें आप इसमें फाइनली कंफ्यूजन तो नहीं है। अब जो बेटा पहला टू है वो हमसे पेमेंट के एंगल से रेलिवेंट नहीं है, वो जनवरी की पेमेंट है, एनी कंफ्यूजन। तो कैश बजट बनाते हुए आपने कैश कॉन्सेप्ट से चलना है, इस रेस्पेक्टिव पीरियड में कैश आया है या गया है तो लिखना है, और अदरवाइज फिर कैश बजट में कम से कम हमारी जनवरी से या पिछली रिसीट और अगली रिसीट से कोई ताल्लुक नहीं है। ओके नेक्स्ट क्या है, क्रेडिटर्स को पेमेंट लिखे टू सप्लायर्स, पेमेंट टू सप्लायर, पेमेंट कंबाइन अकॉर्डिंग ऊपर तो नहीं है, पेमेंट टू सप्लायर्स, पेमेंट टू सप्लायर्स वर्किंग नंबर सॉरी टू कर। अब सप्लायर्स का किस किस की पेमेंट की जाती है, परचेजेस की या सेल्स की, परचेजेस तो है ही नहीं, तो आइए जरा गेम ऑन करते हैं दफा दोबारा, दो तीन मिनट है हमारे पास और दो तीन मिनट ही हमें चाहिए। जी सर फर्स्ट लाइंस पर्सन सामने रखें। पॉइंट नंबर फाइव में क्रेडिटर्स को पेमेंट होनी है मंथ फॉलोइंग द परचेज। एक बल्कि और पहले डिसीजन लेना शायद जरूरी रहेगा, कोई कैश परचेज की इंफॉर्मेशन तो नहीं है, होती नहीं या है नहीं, जिस तरह कैश सेल्स का जिक्र था कैश परचेज का अगर जिक्र होता तो वो भी हम कंसिडर करते हैं। और अगर पर्सन साइलेंट है वी अज्यूम ऑल परचेज इज ऑन क्रेडिट, लेकिन आप परचेज तक पहुंचना सेल्स का डाटा है, तो जरा सेल्स देखें और सेल्स की इंफॉर्मेशन पॉइंट नंबर वन देखें, हमें मार्जिन पता है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स तक आ सकते हैं, आ सकते हैं सर। फिर स्टॉक का जरा लेजर बना लें, ये स्टॉक्स हैं, पॉइंट नंबर वन में ये भी बताया हुआ है कि स्टॉक्स भी मेंटेन होते हैं, तो सेल से कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी और इंशाल्लाह उस पॉलिसी ऑफ स्टॉक से हम स्टॉक्स निकाल लेंगे, तो स्टॉक के लेजर में चार में से कौन सी तीन चीजें आ जाएंगी, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ सेल अगर आ गई तो बैलेंसिंग फिगर परचेजेस आ जाएंगे। तो स्टॉक्स की इंफॉर्मेशन है, प्लीज पढ़ें पॉइंट नंबर वन एंड यूनिफॉर्मली मेंटेन स्टॉक एट द रेट ऑफ 80% ऑफ प्रोजेक्टेड सेल ऑफ द फॉलोइंग मंथ, तो कॉस्ट सेल से कॉस्ट ऑफ सेल इंशाल्लाह निकलेगी, फिर स्टॉक की पॉलिसी से स्टॉक का डिसीजन लेके परचेजेस में आ जाएंगे। अब पॉइंट नंबर फाइव में आ, अगर हमने फॉर एग्जाम्पल मार्च की परचेज निकाल ली इस तरह करके, तो वो मार्च की इस परचेज की पेमेंट फिर अप्रैल में लिख देंगे, एंड फिर अगर अप्रैल की निकल आई तो मई में, इसका मतलब ये होगा कि मार्च की पेमेंट के लिए हमें फरवरी की परचेज की भी वर्किंग करनी पड़ेगी, लेकिन हमें जनवरी की परचेज की जरूरत क्यों नहीं होगी, क्योंकि उसकी जो भी पेमेंट होनी होगी वो फरवरी में होगी, तो ये वाली वर्किंग हमें शायद फरवरी ऑनवर्ड स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो मुझे पता आप करना चाह रहे थे लेकिन थक गया हूँ, तो इसलिए इंशाल्लाह कल कर रहे हैं, अभी डेफिनेटली होमवर्क नहीं है, कुछ दिन जरा आप जरा इन चीज़ों से जरा यूज हो रहे हैं दोबारा, और कम से कम अपने सब्जेक्ट्स का भी कोई फाइनल डिसीजन ले लीजिएगा, जो हजरत पॉस्ट के पढ़े बगैर ही पढ़ रहे हैं वो ऐसे मेरा खाला गायब हो गए, वो दो तीन मेरे नजर आए थे उसमें उन्होंने पता चल गया, वो चले इंशाल्लाह कल मैं बता दीजिए, एक नजर बारा जिसको घर से रिवाइज जरूर कर लीजिएगा जो किया, अल्लाह हाफिज़। एक कंप्लीट अभी शायद हो नहीं सकेगा, ऐसे परेशान होंगे, एक आध सवाल करना और ये बाकी सारे सवाल आपके ही। जी इंशाल्लाह इस वीकेंड पे शायद आपको